Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي صدق الله مولانا العظيم سبحان الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما उस खालिक अज़ीम हस्ती जिस खालिक ने अपनी बाकी दाब ऐलान फरमाया और फरमाया सुभान अल्लज़ी दुरूद नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक साथ है जिस महबूब अलैहिस्सलाम दे तस्दीक वास्ते महबूब दे हक में आप ही फरमाया सुभान अल्लाज़ी आज की महफिल महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर भाइयों ने और इस वसली दे वही सुनिया ने मिलते जिसमें अपने पाप का इहतमाम किया जिसमें अपने पाप आप जैसे मोहब्बत रखने वाले और इन अजीज इसमें अपने पाप हाजिर खिदमत होया अल्लाह रब्बुल इज्जत सब का आमना सुनना सुहाना और बानियानी महफिल का खर्च करना मालिक अपने दरबार च कबूल और मंजूर फरमाए मेरे तो पहले थोड़े इलाके की खूबसूरत आवाज़ ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सुरीली आवाज़ों में सरकार की नाता पढ़ी अल्लाह पाक इन आवाज़ों में और सोज और अदास पैदा फरमाई क्योंकि ये महफिल मोहम्मद कासिम सरवर कादरी सुल्तानी आप भी आई दी महफिल की निकाबत फरमा देते हैं अल्लाह पाक इस नौजवान अमल में फरमाई हजरत ग्रामी कदर नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने असहाब के दरमियान उलामा के दरमियान अपने रब की शान बयान करते हुए फरमाते पे हैं कि मेरे रब ने मेरे ते करम फरमाया कि मैंने अपने दरबार पुरनवार उस मकाम पे बुलाया जिस मकाम पे मकाम ही ना रहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना कुर्ब खास मैं अता फरमाया जिस वेले मैं सफरे में राज थे रवाना ना हुआ महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने के कुफार की कम नजरी
कम बिने की वजह तो हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। जदन बहुत ज्यादा परेशानियां ने मैं घेरे में गया तो मैं उम्मी हानी के कमरे में आराम पिया करता हाँ। जनाबे जाफर तैयार रदी अल्लाह ताला वो भी इस कमरे में आराम फरमाते पे हैं। इस वास्ते कुफार मैं परेशान करना चाहते हैं। अली दा फिरा जाफर तैयार हर वेले कभी मेरे खबे आते हैं कभी सच्चे। इस गर्ज नाल वो भी उस कमरे में मौजूद हैं। वो भी आराम पर करते हैं। जनाबे जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। मैं जहरन अखियां नोटियां हुई हूँ। जिब्राइल अमीन ने मेरी तलियां दा बोसा लिया। कफूर आले होंठ मेरिया तलियां ते लगे। उस वेले मैं अख खोली ते अर्ज की जनाबे जिब्राइल अमीन ने कि अल्लाह दे महबूब रब बुला रहा है। रब बुला रहा है। तो फिर मैं जदन रवाना होया मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक का सफर महबूब अलैहिस्सलाम ने सुनाया कि तमाम अंबिया और रसूल और हर नबी शान हर नबी नू रब ने शाना आला बनाया और हर नबी है भी शाना आला लेकिन मेरे पहुंचन नाल सब ने सफ बंदी की थी। सरकार फरमा दे कि सफ बंदी इस वास्ते की थी कि मेरे रब नू पसंद है कि जेड़े जेड़े मेरे होवन ना तो सारे सफ बंदियां चले। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने के सब सब बंदियां चल सब ने सब बंदी की थी तो मैं उन्हां दी इमामत की थी। उन्हां मेरे पिछू क्याम भी किया उन्हां मेरे पिछू रकू भी किया उन्हां मेरे पिछू सजदा भी किया। फिर जिस वेले सब बंदी और नमाज तो बाद और उस नमाज में कोई नबी गैर हाजिर नहीं कोई रसूल गैर हाजिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो लेते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम नबी ते रसूल मौजूद हैं। रब दा कलीम भी मौजूद है। महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने के फिर मेरी सवारी रवाना हुई। मैं बुराक उत्ते बैठा फिर मैं गुजरिया ते जनाबे कलीम अपनी कबर विच खलोते रब दी बारगाह विच नमाज अदा कर रहे। महबूब अलैहिस्सलाम ए मुस्लिम शरीफ दी हदीस है। हुजूर फरमाते मैं कब्रे मूसा को गुजरे नमाज पढ़ावन तो पहले नहीं नमाज पढ़ावन तो बाद मैं कब्रे मूसा को गुजरिया ते जनाबे मूसा पाक नमाज अदा कर रहे हैं। इत्थे मौलवियों ने जहन लड़ाया कि उत्थे नमाज विच भी हम छापा ने नाल बोलो उत्थे नमाज विच भी हम इत्थे कबर विच मौजूद हैं। उन्हां के मामला के उत्थे भी मौजूद हैं इत्थे भी मौजूद हैं। मैं के अल्लाह के नबी हैं अल्लाह के रसूल हैं जिथे चाहें जेड़े वेले चाहें भावें उत्थे होवे या इत्थे होवे। फिर मौलवियों ने और सवाल किया और सवाल ये जहन में बिठाया आख्या के हजूर हैं बोराक पे बोराक की रफ्तार ते तेज हो गई है। बोराक की रफ्तार तेज हो गई है। बोराक पहले ना पहुंची जनाबे मूसा पहले पहुंचे एंदी वजह के है। मैं कह एंदी वजह ते यही ते कमली वाले दसड़ा करने हैं कि बोराक की इतनी रफ्तार नहीं है जितनी अल्लाह दे नबी ते रसूल की रफ्तार। Yeah!
کہ حضور نے تے خیبر فرمایا یا علی علی مدینے جان اتھے کیویں پہنچے میں کہ تانوں اج تک سمجھ نہیں آئی کہ جنوں نبی بلاوے نبی بلاوے تو فاصلے نہ گنے کر تو بلاون والے نے ویکھیا کر کے فاصلہ نہیں ہوندا نبی تے بلاون وچ رفتار تیز ہو گئی ہے بلاوے تے نبی ہے لیکن کلیم دی منشا اے ہے کلیم دے تائی تے اسرائیل نو آکھیا اسرائیل مرنا اے چاندا وی ہاں لیکن ایتھے نہیں اوتھے جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے رب دے کریم نے پوچھیا جناب موسیٰ پاک نے پوچھیا کدے کدے آیا عرض کی تھی جناب دی روح قبض کر آیا جنہیں ذرا نیڑے ہوئے نا پھر نیڑے ہوئے تھے آپ نے او ہاتھ جس ہاتھ دے متعلق رب نے پوچھیا جس ہاتھ دے متعلق رب نے پوچھا کلیم تیرے سجے ہاتھ وچ کے تیرے سجے ہاتھ وچ کے پھر مولوی نے سر جوڑیا انہاں کا رب صرف ہاتھ دا ہی پوچھ لویا سجے پوچھن دی کیڑی لوڑ آئی میں کہ مولوی نہ تینو سجے دا پتہ لگنا تے نہ تینو کھبے دا پتہ لگنا ہے رب دستا ہے کہ تیرے سجے ہاتھ وچ کے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مالک اس ہاتھ وچ سوٹا ہے اس میں میں اے بھی کردا میں او کردا میں کون مولوی پوچھدا رب پہ آئے رب نو نہیں پتا کہ سجے ہاتھ وچ کے ہے تے اس نال موسیٰ کردا کے ہے تو آتا پوچھ دے رہے میں کہ رب آپ پوچھدا پہ آئے کہ کلیم تیرے سجے ہاتھ وچ کے جناب موسیٰ نے عرض نہیں کیتی کہ یا باری تعالی تو تے جانی جان ہے تو تے سمیع و بصیر ہے تو ویکھدا وی ہے تے سندا وی ہے تو کیا پوچھدا سجے ہاتھ وچ کے ہے صوفیا پر ماندر کے رب پوچھ تے دسنا چاہندا ہے کہ سجے ہاتھ دی بھی کوئی حقیقت ہوندی ہے واپس مڑ کے رب نے فرمایا ہو آیا عرض کی تھی مالک ہو آیا سنا میرا کریم اور سکے مالکہ ہوتے بہن ڈاڈا ہوتے بہن ڈاڈا کیے ڈاڈ کی تھی جنہیں مالکہ میں موت دا پیغام دیتا ہے تو انہاں کے نیڑے ہو نیڑے کر کے لائی نہیں نیڑے کر کے لائی نہیں تو رب نے یہ نہیں فرمایا نرازگی دا اظہار نہیں کیتا فرمایا تو آکھیا کیا ہے یعنی میں تے پیغام میں موت دیتا ہے فرمایا کہ نبیوں دی بارگاہ وچ انج ونجن دا ہے جی میں تو گیا ہوئے جانور لے ون حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ وچ پیش کر انہاں نوں آکھو ہاتھ اس تے رکھے جتنے ہاتھ دی ہتھیلی تلے وار آسن اس جانور دے اتنے سال زندگی بعد ویسی حضرت اسرائیل پاک فرمایا مالک پھر ونجا ڈر دے ہوندا نا پھر ونجا فرمایا ون گھبرا نہیں میرا سلام دے کہ رب کے سلام دے حضرت اسرائیل پاک میں نے اس آج پہلے رب دا سلام دیتا ہے تو کریم نے فرمایا کیویں جن رب دا سلام پیش کرنا آیا تو نال رب نے اے فرمایا ہے اے جانور ہے ان دے تے ہاتھ رکھو اوہ میرے دے نہیں رکھنا میرے دے نہیں رکھنا اوہ ہاتھ رکھو اس ہاتھ دی ہتھیلی تلے جتنے وال آ ویسے اتنے سال زندگی بعد ویسی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کے ہو سی مرنا
ਵੀ ਕਾਇਨ ਤੁਸਾਂ ਖਾਲੀ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਐਦਰ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੌਲਵੀ ਸਿਰ ਜੋੜੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਫਰਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਚ ਫਰਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ जनाब मूसा कलीम खड़े होके नमाज अदा कर नमाज कब्रे मूसा को गुजरे कब्रे मूसा को गुजरे एक जाट ने पूछा है असा इस कब्र को लगते हैं सानू के करना चाहिए करना चाहिए पूछा भी मौलवी अशरफ अली थानवी को कहने को पूछा है देवबंदियों का तबलीगी जमात वाले का हिम उम्मत क्या पूछा ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਚਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਹਿਸ਼ਤੀ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੈ ਜੀ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਬੋਲੋ ਸਰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਜੱਟ ਇਹਨੂੰ ਗਵੇੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜੀ ਖੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਖੁਰਾ ਵੈਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਰਾ ਵਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਖੋਜੀ ਟੁਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਗਵੇੜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸੀ ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਲਾਮ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਲਾਮ सलामती होगी सलामती होगी फिर फायदा फिर कबरा
आखदन वालेकुम सलाम या अहले इस्लाम साडे ते सलाम भी भेजण आले रब तैनू ही सलामत रखे रब तैनू ही सलामत रखे अशरफ तू कबर सिराने सीने वाले पासे खलोता कर कबर सीने वाले पास यानी कि मुंह जड़ा हो ना काबतुल्ला देर तेरी कंड हो ते कबर वाले देर तेरी मुंह हो कोई गल समझी ना मैं इतने कुछ समझावना चाहना काबे देर कंड कबर वाले देर मुंह अकल ले कबर मुर्दे देर मुंह करो तो काबे देर कंड करो ये कोई गल ढुकदी नहीं है नहीं नहीं तू सा इन बोले हो ना तो मैं कौन ही हूं के समझा सकता शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके हो अब काबे का काबा देखो काबे का मुंह भी काबे पर होया मैं कह हुन दस हुन किथे ओ साके तोड़े मसले में आज एक करना जो ना कमरी वाले ने फरमाया कि मैं मूसा पाक की कब्र को गुजरया मूसा अलैहि सलाम की कब्र को गुजरया उस रात पर दे पे मुड़ अगे गया फिर चौथा आसमान आया फिर आसमान पहुंच गए फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने हजूर की बारगाह सलाम पेश किया सरकार की बारगाह सलाम पेश करके अर्ज की सोने एक गल पूछनी फरमाया हजूर दी जात पे मुस्कुराते सुभान अल्लाह आखते हो ना सरकार ने फरमाया आप पूछो जनाब आपने फरमाया है हजरत मूसा अलैहि सलाम हजूर की बारगाह च अर्ज का कर दें कि आपने फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा मेरी उम्मत दे उलमा बनी इसराइल दे अंबिया दे हम पल्ला है अपनी उम्मत दे उलमा विच एक आलम उन्हें रूह नु तलब किया उन्हें उन्होंने उस आलम का ना पता नहीं
ਧਿਆਨ ਵਾਰ ਦੇ ਇਮਾਮੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਇਮਾਮੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾਲੀ ਬਣੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨ ਆ ਮਸਜਿਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਗਜ਼ਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮੇ ਗਜ਼ਾਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਆਲਮ ਹੈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਪੈ ਹਾਂਜੀ बड़ा लंबा है इसे चार जुम्मे बढ़ावने लगे महीने हजरत इमाम गज़ाली पाक ने अपना असल नाम दसिया कि मेरा नाम ये है मैं मेरे प्यो का नाम यह मेरे दादे का नाम यह मेरा ये नाम मेरे प्यो का यह नाम मेरे दादे का जो प्यो दादे वाला होंगे वो दस सकता है कि मैं सुल्तान बहू का पोत रहा तो मेरा दादा अली भी है प्यो दादे वाला होंगे वही दसता है ना वो बार समझते हो कोई नहीं समझते अपने प्यो तो कि दस छोड़िया दाए दस छोड़िया इनका मतलब होंगे कि जेडे उलमाए हक होंगे ना वो आलमे अरबा जानन के कहने की पुष्ट विच रमना है कश्ती क्यों त्रोड़ी ने कद क्यों सिद्धि कराई ने बाल क्यों मारे होना क्यों मैं ना तेरा पूछे मैं ना तेरा पूछे नाल प्यो तो ही दसदा पे दादे तो दसदा पे चंगा आलम है अर्ज की हजूर अगर बेअदबी ना हो तो मैं भी एक अर्ज कर ला क्योंकि वो अल्लाह के नबी है ना रसूल है ना अदब वाली कर हजूर अगर इजाजत होवे तो नाराजगी ना हो तो मैं भी एक अर्ज करा मैं हां हां तू भी मौलवी बंदा है दस कोई पूछ के पूछना चाहना है अर्ज की हजूर हजरत अल्लाह पाक ने तो पूछा है मूसा तेरे सज्जे हाथ में चुके है हां पूछिया है ये तुसा क्यों आथे आए कि मेरे हाथ में सोटा है मैं ए करना ओ करदा ओ करदा उन्हें खाली तुम सोटे का पूछे जब तुसा उस सोटे की सारी गल समझा छोड़ी है हजरत मूसा अलैहि सलाम मुस्कुरा के फरमाया अर्ज की ए अल्लाह के महबूब आपने हक ही फरमाया है और सच ही फरमाया है तो हजरत हुजूर फिर तू तशरीफ लाया गए अगे हजूर अलैहि सलातो व सलाम इरशाद फरमाने फरमाने फिर मैं फलां मकाम पे गया फलां मकाम में सिंदरा मकाम में ये सिंदरा है कोई आम गुजरगाह नहीं जिब्राइल की सरकार के हमरा नहीं उस मकाम के पहले जब हजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे ना हजरत जिब्राइल अमीन रुक गए जिब्राइल अमीन रुक गए सरकार ने फरमाया रुक क्यों गए चलना नहीं तुसे गल नहीं पे समझी थी चलना नहीं अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी हद आ गई मेरी मेरी हाय हाय मेरी जिब्राइल की भी हद है हजूर ने फरमाया तेरी हद आ गई हाँ यार सुनला मेरी हद आ गई ओ किवे अगे के है सब कुछ ये मैंने अगे के हाल की यार सुनला अगे की गल तो मैं नहीं पता भाई अगे के है अगे अगे के मैं हद का नहीं पता बस हद तू टपदा ना तो मेरे पर भी जलद मेरे एक आम पर नहीं जिब्राइल अमीन के पर 600 पर तो मैं एक एक पर की गल दा सारा तो समझ आवे ने कि वो पर वाला की दुनिया शान का मालिक है मेरे सरकार ने फरमाया अच्छा इतने अक्सर उलमा ने फरमाया फरमाया
अकबर लै इस मकाम ते आके के हजूर ने जब फरमाया के चलिए अर्ज की या रसूल अल्लाह चलो ए नहीं आख्या के मेरी हद ना के हजूर नाल आवे ते मन डरना के ताई ते सरकार ने फरमाया के उम्मत ये सारी जिंदगी दी बेटियां एक पासे सदीक अकबर दी गारे सोर अली देखी एक पास क्योंकि उन्ना अपने वास्ते हद ना ही लाई हाय हाय तुस इस गल नूं लोक नहीं मिले अल्लाह जाने कदर लोक फरमाया सो तो कदर इस वास्ते कि वो अल्लाह दे रसूल है जिब्राइल है अमीन सुभान अल्लाह रसूल है इस वास्ते कायदा ये बनाया गया है कि रसूल तो अफजल असाबी नहीं हो सकता अगर मां दी बहस है मैं इस बहस में कौन छापा ने नहीं पढ़ना चाहता सरकार ने फरमाया अच्छा आगे बनिए तो पर जल जा पर जल हजूर अलैहि वसल्लम जो गुलामों पर जलते हैं एक रोज नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह हजरत जिब्राइल अमीन ने अर्ज की थी अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं तेरे महबूब की हकीकत देखना चाहता हूं चादर करता जिब्राइल अमीन तू परवाह की तू रब ने इनाम फरमाया अपने महबूब तू आज चादर ला दे नूर ही नूर आई मैं जिब्राइल इस महफिल को खोल बना
صدیق اکبر دی سنت ادا کر کہ صدیق اکبر کو پوچھا گیا انہاں آکھیا نہیں من تہاڈی لوڑ نہیں میرے واسطے رب تے رب دا رسول کافی ہے رب تے رب دا رسول کافی ہے سرکار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں میرے واسطے اللہ کافی ہے جبرائیل تیری من لوڑ کوئی نہیں میں کہ پوچھیا نے میں کہ انہاں یہ ایک پوترے والا ہے تے اج پوترا ہی پوچھدا پیا جبرائیل تو تے کے ٹپ نہیں سکدا تو کل میرے دادے کول پوچھیا ہے آج اے نا قیامت والے دن آ کہ میں تے تہاڈے دادیاں کول خدمتاں پوچھدا رہیا تے تو سب ایک دے نہیں پوچھ اج تو دس اج تو دس تینوں کوئی ہے یار رسول اللہ منائی تو سکتے ہو ایک کا خدمت اور کوئی سرکار فرمایا دس میں رب بارگاہ کے عرض کراں انہیں اپنے رب دی بارگاہ رکھا ہے جدن تواڈی امت آئے ہو امتیو اوئے خوش نصیب امتیو اوئے خوش نصیب امتیو خوش نصیب امتیو کو چنگے کم کرے تواڈا مقام عام مقام نہیں مسلو ادی حضرت جبرائیل امین عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ رب دی بارگاہ رکھا ہے جدن تواڈی امت اللہ دے محبوب دی امت جس ویلے پرسلاب تو گزرن لگے نا تے رب دی بارگاہ اجاز کرے کہ میں اپنے نورانی پر بچھا دے نا تواڈی امت دی خدمت کراں سبحان اللہ اس گل تے تو ڈھلے بول گیا تانوں پتہ نہیں کہ تواڈے پیراں تے کہندے پار آندے پے او جناب جبرائیل امین دے پار اے او عام پر نہیں نورانی پر ہے تے تواڈے پیراں واسطے تواڈی آسانی واسطے حضرت نے جبرائیل امین عرض کر کے حضور تو رب دی بارگاہ وچ عرض کرو اس پر صلات تو گزرن لگے تے میں اپنے نورانی پر انہاں دے قدماں تلے بچھاوا پھر انہاں نے سر جوڑے وجہ کہے کہ جناب جبرائیل امین رسول فرشتہ ہے اور امت مصطفیٰ پیچھے اپنے نورانی پر بچھاوا چاہتا ہے انہاں نے فیصلہ فرمایا کہ اس واسطے رب بھی اس گل تے راضی ہوندا ہے تے رب دا آخری نبی بھی اس گل تے راضی ہوندا ہے کہ جیڑا جیڑا امت مصطفیٰ واسطے آسانیاں پیدا کر سی نا اس تے رب بھی راضی ہو سی تے رب دا رسول بھی ناراض نہ ہوئے تو چھاپا لیو میں تہاڈے واسطے گل کر رہا تے آن گوان آئے بیٹھے ہوئے بعد جو امن خان دے چا تو سارے اپنے ٹورن واسطے بھی بننا سوکھا نہیں میں رکھدے ہیں اپنا ٹورن ہے ماں او تو ٹورن ہے پیو تو ٹورن ہے دادے او تو ٹورن ہے تو سمی حال واہ 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 اگے بننے بڑے ہوندے ہن چھوٹا اگے سڑکاں بڑیاں ہوندیاں ہن چھوٹیاں او میں کہ کچھ خیال کرو تہاڈی آسانی واسطے سبحان اللہ اور صلاۃ دے جناب جبرائیل تے نورانی پر بھی چھائے جا سوے ہیں اس واسطے کہ کھلے راہ کرن واسطے حضور دی امت واسطے آسانیاں جیڑا جیڑا پیدا کرسی رب بھی راضی ہوسی رب دا رسول بھی ہوسی اج تو فیصلہ کر لے اساں گلیاں تنگ نہیں کرنیاں اساں گلیاں کھلیاں کرنیاں سبحان اللہ توڑی ہے اللہ کام بڑا لمبا اج پیا ہے نہ لگدا ہے اینے پہ ہے نہیں سبحان اللہ یہ کہ لنگر بھی لگے ہوئے ہیں یہیں سجائی ہے آجا پھر سارا جڑے ہیں نا یہ حضرت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت کی تھی آئی ہاں کہ اس میں ڈھیر سارا پکا چھوڑے تھے کہ مچھلی نے کی تھی گڑوں یہ ڈھیر سارا وہ ہی دے سکتا ہے ساڑے بس کوئی نہیں یہ چھاپا والے دین کوئی آبادی دین کوئی چرتالی دین انہیں جنہیں ہکا دارا ہی گڑوں کرے تھے پرا پیش کر دے ہونے ہیں کوئی نل نہیں مرضی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سن تے انشاءاللہ اضافہ ہو گیا سی میں 18 پراٹھیاں دی روایت میں اکھیاں نال ویکھی ہے دارا توڑ دو گے 18 پراٹھے سبحان اللہ اور میں تیرے دے دو چھولے آ دے 18 پراٹھے میں اڑ دے ویکھے تو اس بعد اللہ سنگیاں ساڈا ناشتہ نہیں پکا سچی گل ہے دارا بیٹھا نہیں تو پوچھ لو اللہ چاہ دینا ہے ترموز
ਅਜੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ फिर मैं उस मकाम छोड़ के उस मकाम को अगे हूं मकाम आ गया काबा को सही आओ अदना आओ अदना तीर कमान का फासला केड़ा है जब तीर नु छिको ना तो जड़ रुड़कियां का फैसला बन हुजूर फरमान का फैसला रह गया तो फिर मोड़ मेरे रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब मेरे नेड़े हो ऐ मेरे हबीब मेरे नेड़े हो मैं नेड़े होया फिर आवाज आई हबीब और नेड़े हो उस मिट्टी के जेडे पिंकरियां ना वो लगियां दुश्मना ने महबूब यानी कि जिते हजूर दे दुश्मन ना उन्होंने लगियां वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई चलती पई है गुत्थम गुत्था की लड़ाई भी चलती है यानी कि कोई अबू बकर नाल प्यार लड़ता है कोई उमर नाल प्यार लड़ता है कोई उस्मान पाक नाल प्यार लड़ता है कोई अली नाल प्यार लड़ता है गल समझ आ नहीं पई ने बड़ा चाहना यानी कि असाबा नाल लड़ाई होनी पई है हजूर ने हजूर ने हमें उचाई ने मिट्टी ऐ छटिया ना तो फिर वह डायरेक्शन बदिया है जी जेड़ा अबू बकर ना लड़ता पे आए ना वो पत्थर नहीं पत्थर अबू बकर नहीं लगा जेड़ा अबू बकर नाल लड़ता पे ही उन्हें लगा जनाबे उमर फारूक नाल नहीं लगा जेड़ा उमर पाक नाल लड़ता पे ही उन्हें लगा जनाबे उस्माने गनी पाक नाल नहीं लगा जेड़ा उस्माने पाक नाल लड़ता पे ही उन्हें लगा जेड़ा अली नाल लड़ता पे ही अली नूं नहीं लगा अली दे दुश्मन नूं लगा है मैं कोई समझना इस गल नूं उन्हें कि एक किवें हो सकता है ए एक किवें हो सकता है कि इंज सट्टो ते यार बच वञे ते यार नाल लड़न वाले लग वञे मैं कि तैनूं पता नहीं किहड़े हत्थां विचों आए है गल समझी कोई शऊर है कि हजूर का यार कौन है हजूर का दुश्मन हजूर का यार कौन है हजूर का मैं एक अपने सिलसिले वाले नूं ये अर्ज करना चाहना कि साडा दावा है कि साडा हथ कमली वाले दे हथ है गर्दन मारा मुस्तफा जिस जिस कादरी दा हथ कमली वाले दे हथ विच है अगर वो असाबा तो गुस्ताख है तो उनका कोई तलक नहीं
वृक्ष बन रही है, जिस भी सिलसिले दावा आए है कि साडा हाथ कमली वाले दे हाथ विच है और असहाब नु भोगदा है, हजूर दी आल नु भोगदा है, तो समझे कि उनका कोई तलक नहीं। अगर पत्थरा नु हाथ शऊर पकड़ सकदा है कि असहाबा नु नहीं, जेड़े असहाबा नाल लड़दे होए लड़न लगना है, तो तैनू तो रब बड़ा ही अशरफुल मखलूक है। थोड़ी देर रहो पत्थर कंकरियां हजूर की मुट्ठी में एक लम्बा रहे, उस बाद हजूर दीवार ने पीछे का नहीं पता मैं ना जो को दिल कर दे। आयशा बने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह अगर करम नवाजी होगे तो मैं किसी का मशवरा कर लूंगा, मैं किसी का, क्योंकि हजूर ने जो फरमाया कि जो कुछ दिल कर दे पूछ। उमर मोमिनी सईदा आयशा सदीका ने उन्हें पता है कि अल्लाह ताला के रसूल मशवरे में खुश जरूर होंगे हैं, रसूल अल्लाह की गल हो तो मशवरा करना चाहिए, अपने मुंह ते इन्हें नहीं डांग चाल लगनी चाहिए, जेडे जानते हो ना मतलब पूछना चाहिए, पर मसला पता ना हो तो माँ को पूछ लिया करो, अपने को मौलवी ना बन खड़ोते करो, जैसे नुकसान हो सी जेडे कुरान हदीस जानता हो सी उसे को पूछिया करो। उमर मोमिनी सईद आयशा सदीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इजाजत होवे तो मैं कहंदे ना मशवरा कर लवां, मतलब सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, फरमाया आयशा कहंदे ना मशवरा करना, कहंदे ना मशवरा करना, दसना मैं ते मशवरा अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह मैं तो उन्हां नाल मशवरा कर सां जेड़ा तुहानू बहु जानदा है। फरमाया कहंदे को अर्ज की थी अबू बकर, फरमाया जा पूछ, जा पूछिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। उमर मोमिनी सईदा आयशा सदीका अपने अब्बा के घर में गईया, आप ने इस्तकबाल किया, फरमाया कि किवें माई साहिबा, सुभान अल्लाह, कमली वाले ने जो फरमाया जो कोई दिल कर दे पुछ, आप दसो मैं सरकार को केड़ी गल पूछना, आपने फरमाया फरमाया कि सरकार ने अली फरमाया जिब्राइल भी कोई नहीं, जिस गल में जिब्राइल भी कोई नहीं, ओ मकाम जिहड़ा काबा कौसैन है, ओ अदनंद है, जिहड़ा रब ते रब दे
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਸਟਰ ਹਾਜੀ ਆਦੋ ਆਉਂਦਾ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਕ अपने तक नहीं रखनी तू अपने तक रख जाने क्योंकि तू है हुमैरा मशावरत होगी अर्ज की हासिल होगी अबू बकर ने क्या मशवरा दिता है अबू बकर ने क्या मशवरा दिता है इस गल समझो कि माई साहब ने सरकार ने मना नहीं किया मशवरा उन्होंने क्यों लेंगे वो तो गलत मशवरा भी दे सकते हैं उन्होंने पता है रसूल को गलत नहीं दिता तो दीन को क्यों दे मैं गल्ला लड़िया छेड़ना नहीं चाहता मैं सिर्फ ऐसा सुनना चाहता क्योंकि शुगर हो और बोलना नहीं देती नहीं तो मेरा दिल कर दो आई आज मैं छापा ले मैं छापा भी पवावा तो हार भी पवावा सरकार ने फरमाया कि हो गया मशावरत हो अबू बकर ने क्या मशवरा जिथे जिब्राइल भी कोई नहीं कुदरत गल दसो सरकार ने फरमाया कि आशा उन्हें गलों में एक गल यह एक एक गल है कि मैं रब के कुर्ब में गया तो रब ने फरमाया ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे हबीब जेड़ा तेरी उम्मत एक कर सी तेरी उम्मत एक कर सी तेरी उम्मत एक कर सी एक सफ चाण सी रोजे कयामत मकाम फिर दोस्त वो इन मेरे नेड़े हो सी जिवें महबूब तू मकामे फिरदौस ते मकामे फिरदौस ते चढ़ के चढ़ना ते तू कर कुछ ना करेंगे रणमाय के चेड़ा उम्र ते मुस्तफा नु हेक कर सी रोजे क्या बने मकामे फिरदौस ते हजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जटा की रब कर मंगिया करो मकामे फिरदौस मंगिया करो अबू बकर हर वे उम्मत मुस्तफा की भलाई रही रहनी वापस आप इंतजार जी सरकारें मदीना ने कि गल दसी
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕਰ ਸੀ ਮਕਾਮੇ ਫਰਦੋਸ ਤੇ ਆ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇ ਸੈਦ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਨਾ ਸਾਰੋ ਕਤਾਰ ਹੋ ਮੈਂ ਸਭ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਆਂਸੂ ਕਿਵੇਂ ਆਵ ਮੈਂ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾ जरूर चलना फिर वापस आए मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की मालका 45 दिन कोई पढ़ फिर गए फिर 40 न पढ़ सक फिर गए 35 न पढ़ सक 30 न पढ़ सक 25 न पढ़ सक 20 15 न पढ़ सक 10 न पढ़ सक 5 रब ने नाराजगी का इजहार किया एक तोहफा देना तोहफे बंदे बदवाने नहीं है कटवाने एक चक्कर और लग रही है।
दाढ़ी पकी पकी जान ही छोड़ दी। उन्होंने नहीं फरमाया रब नाराज हो सी, बल्कि हजूर ने फरमाया मैं हया आंदा है, मैं ना मैं अपने रब तू हया आंदा है, मैं पढ़े या ना पढ़े मैं अपने रब तू, मैं अपने रब तू हया आंदा है। हूं वे कर हजूर साड़ी वेले फरमाते पर मैं अपने रब तू हया ना, कोई पढ़े या ना पढ़े हजूर ओ ही पंज लै ते ना वापस तशरीफ ले आए। यही असाबा नूं पै फरमांदे साबन। हुण इह सारी कहानी इस च कुछ छोड़ियां ते कुछ लाइयां सारी कहानी हजूर अपने असाफा विच बयान फरमांदे पए। पता है लोक लोक ते कौन पिया सुनदा है? ये सारे किस नूं लोक लोक ते कौन पिया सुनदा है? और कोई नहीं कबूजा है। हजूर ने फरमाया मैं गया हम बिस्तरा गरम कुंडी हल्दी पाई आई पानी चलता पे, मैं पता थक गया तो एक बार पंगे लमन डाल पे दीगर वैसे ही अली आ रहे सामने आ गया आखन लग कोई गल नहीं आखन लगा जी गल इन्हें करेंगे पे सारे सुना पे चार बंदे मैं बटने कर सामने भी है गल कर सो। अमरीका ने फरमाया रब ने मैं रसूल बना के भेजे नबी बना के भेजे जी गल इतने की थी गल उ परेशानी हुई क्योंकि इस्लाम की इब्तदा है। ये लोगों को दसी लोगों के ज़हन में अगली गल भी कोई नहीं लोग इस गल मानना कोई नहीं इस्लाम तो हजूर के दिल मुबारक ख्याल पैदा होया ना तो रब ने फरमाया जा जिब्राईल मेरे महबूब को तसलियां दे। इस्लाम तो दूर हो सके आखिर जेडे मशीर हैं ना जेडे सदमा सानू कंदियां कन्ना जी दबा चसा ना मारियां यार साडी चसा ना मारियां सलाह बड़ी चंगी दी है क्योंकि इस सलाह में शैतान भी शामिल है। इतनी देर में सही सदीक अकबर तशरीफ लाया राह मल खलोते उन्हें साड़ी गल सुनी थोड़ी गल सुनने वास्ते आया वापस बिस्तरा भी गर्म हो कुंडी भी हल्दी पे हो पानी भी चलता हो 18 साल की मुसाफत भी होरी अकलमंदी सही सदीकन फरमाया गल की चेहरे वाल वेखदा रहना है।
गल की हजरत हाजीपुर दे मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजीपुर राजन दे मियां साहब तो थे शेख हदीस उन दी बारगाह च हाजिर हो उना के कुरान वी ते पढ़दे हैं हदीस पढ़दे हैं सरकार इन गैर इन आए हुन ओ अचानक इन गैर गैर ते फिर आ गए ये ते मकाम है हुजूर दे गुलामा हुजूर दी निशान ही वते है इसे सब तस्दीक वास्ते अबू बकर सिद्दीक आ गए इसे सफर रिवायत रब ने फरमाया सुभान अल्लाही असवा पाक है वो जात अल्लाह पाक वाडियां को मेरी हाजरी के बगैर जरूर फरमाए मुमकिन है आइंदा इस तरह से तमाम ना कर सकी है ना आ सकी है लेकिन ये गल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो ये गल जड़ी है ना खलकत में एक कीता करो एक सब च रखिया करो इस एक च रखने रब भी राजी होता है रब का रसूल भी राजी होता है ऐसी गल ना की करो जिस हजूर की उम्मत परेशान होए थोड़े गवाढ़ी परेशान हो गलियां परेशान हो पाक मेरी और थोड़ी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमा लेकिन अपने भाइयों ने इतना खूबसूरत एहतमाम किया है उलमा बुलाया आप तशरीफ लाए अल्लाह पाक उन्होंने रोजी रिस्क जान माल में बरकत अता फरमावे जिंदगी की कमी पेशी रहती होती है हर किसी की जिंदगी कमी नहीं होती है पेशी होती है लेकिन बंदे को घबरावना नहीं चाहिए अल्लाह पाक बे औलादन ले साल औलाद अता फरमा मुसाफिर मंजिल मदीना नसीब अता फरमा कर्जदार कर्ज अदा करने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमावे और वतन पाकिस्तान की हिफाजत वास्ते खुदा सानी मौका अता फरमा अल्लाह पाक पाकिस्तानी अफवाज की रखवाली फरमावे जिन्होंने अमेरिका में लिखे हुए ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रिकॉर्ड में काम फरमाए ना औलादन मन मशहूर जिन्होंने इस बेसुरज में इतनी देर तक गुफ्तगू सुनी वाह अलैहि इल्ला अल्लाह।